स्कूलों पर शिक्षा विभाग शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। सभी स्तर के स्कूलों को यूडाइस जमा करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। यूडाइस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के माध्यम से जिला शिक्षा विभाग शिकंजा कसेगा। इसमें न सिर्फ सही जानकारी बल्कि हर रजिस्टर्ड स्कूल को इसमें स्कूल से जुड़ी हर तरह की जानकारी देनी होगी, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल। जानकारी के मुताबिक जिले में 3100 स्कूलों का यूडाइस प्रपत्र जमा होना था, लेकिन विभाग द्वारा तय डेडलाइन के गुजर जाने के बाद करीब 300 स्कूलों ने ही जमा किया है। एपीओ सुरेश राम का कहना है कि सख्त आदेश के बाद भी सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल यूडाइस प्रपत्र जमा करने में लापरवाही बरत रहे हैं। 8 जून को मुख्यालय स्तर पर इसकी समीक्षा होनी है। शनिवार तक सभी स्कूलों को जमा करने को कहा गया है। बताते चले कि इसके लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ था, उसके बाद फॉर्म भरवाना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण पिछले 1 जून से स्कूलों में भरवाना शुरू किया गया है। इसमें स्कूलों की आधारभूत संरचना के अलावा कितने शिक्षक छात्र कमरा शौचालय पेयजल की व्यवस्था RTI के नियम का पालन स्कूल की भौगोलिक स्थिति सरकार से कितना राशि प्राप्त और व्यय हुई आदि जानकारी देनी होती है। केंद्र सरकार के MHRD द्वारा तैयार यूडाइस के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के अधिकतर स्कूलों का डाटाबेस रहता है। इसमें जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों की आधारभूत संरचना सहित सभी संसाधनों एवं अन्य जुड़ी जानकारियों को मांगा जाता है। इसमें हर साल स्कूल को कई पन्नों पर फॉर्म भरकर जिला शिक्षा विभाग में जमा करना होता है। समस्तीपुर बिहार में यह बहुत जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। सभी स्तर के स्कूलों को यूडाइस जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया है। स्कूल गलत जानकारी देगा तो उसकी मान्यता रद्द करने के लिए विभाग बोर्ड को लिख सकता है, चाहे वह बिहार बोर्ड हो या CBSE। सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों पर वेतन रोकने या अन्य कार्रवाई की जा सकती है। जो स्कूल स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं उनका स्कॉलरशिप रोका जा सकता है। माइनॉरिटी स्कूल इससे बाहर है। उन्होंने बताया कि जो स्कूल स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें पिछड़ा और अभिवंचित वर्ग के 25% छात्रों का नामांकन लेना होता है। कुछ स्कूल इसका दुरुपयोग करते हैं, वे 25% से कम बच्चों का नामांकन लेते हैं, लेकिन फॉर्म में 25% की संख्या दिखाकर सब पर स्कॉलरशिप लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब जाँच के डर से ऐसा नहीं के बराबर होता है। गलत जानकारी देने पर उस पर बोर्ड के स्कॉलरशिप बंद करने के साथ मान्यता भी समाप्त कर सकती है। सूचनाएं स्कूल सही दे रहा है या गलत उसकी जांच भी विभाग के CRC संकुल समन्वयक और BEO करेंगे। हालांकि CBSE या ICSE बोर्ड के प्राइवेट स्कूल स्कॉलरशिप के लिए ना तो गलत जानकारी देते हैं और ना ही आवेदन करते हैं। पिछली बार कुछ स्कूलों ने जानकारी नहीं दी थी, लेकिन बाद में दोबारा देने पर रजिस्टर्ड जिले के सभी 2286 स्कूलों ने यह जानकारी दे दी। इस वर्ष से इसमें एक नई सुविधा जोड़ी गई है। इस साल से जो स्कूल चाहे वह नज़दीकी BEO से यूजर ID और पासवर्ड लेकर ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं।